हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मेरे साथ हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर निर्मला जॉन मैडम। ये हमारे ऑफिस में कार्यालयीन कार्य से आई थी, तो मैंने मैडम से थोड़ा सा समय लिया है कि रेंजर की जो जॉब रहती है उसकी जॉब प्रोफाइल किस टाइप की रहती है और क्या क्या इसमें कार्य रहता है, तो इसके बारे में कुछ मैडम से हम सवाल पूछते हैं। मैडम काफ़ी प्रमोशन से मैडम काफ़ी अच्छी पद पर आई है। मैडम, तो पूरा अपने जॉब प्रोफाइल में किस टाइप से आपकी भर्ती में कब भर्ती हुई थी मैडम आपकी, और प्रमोशन से जितने भी आपने पद हासिल किए, और मैडम ये सारी जानकारी आप बताइए कि, और ख़ास तो रेंजर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है मैडम। मेरा नाम निर्मला जॉन है, मैं रेंज अफसर हूँ, अभी आगरा में पदस्थ हूँ, और मैं भी फॉरेस्ट गार्ड से ही मेरा प्रमोशन हुआ था। इसके अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और ट्रेनिंग के बाद में जब अपन ट्रेंड हो जाते हैं तो अपनी पे स्केल चेंज हो जाती है। तो यदि आपका कार्यकाल अच्छा रहा तो आपका प्रमोशन होने के चांस रहते हैं। तो आज मैं फॉरेस्ट गार्ड से भर्ती होने के बाद मैं आज रेंजर की पोस्ट में हूँ, क्योंकि जब मैंने फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग करी थी तो मैं वहाँ मैंने टॉप किया था, तो टॉप करने से मुझे दूसरा चांस मिला। फिर मैंने जगदलपुर में एक साल की ट्रेनिंग मैंने फॉरेस्टर की करी, और आज मैं इस पद पे रेंजर के पद पे पहुँच गई हूँ। इसके बाद में फिर अपना एसडीओ का चांस रहता है, तो ये जो वर्दी है केवल रेंजर तक ही सीमित रहती है। तो आज अपन वर्दी पहनते हैं तो अपने को बड़ा गौरव महसूस होता है, तो अपनी वैल्यू भी रहती है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं हमेशा यूनिफॉर्म पहन के जाती हूँ, तो यूनिफॉर्म पहन के जाने में अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है और मान सम्मान भी अपने को मिलता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आप लोग पढ़ाई करो तो अच्छी तरह से करो, ताकि आप लोगों को भी यहाँ तक पहुँचने का मौका मिले, चांस मिले। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप ठीक से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे जैसे मैं पहुँची हूँ। मैडम, रेंजर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, और ये लड़कियों के लिए जॉब किस टाइप की रहती है, ये रेंजर के बता दीजिए आप। मतलब खास आपके वन विभाग में कुछ कुछ काफ़ी सारे इसमें विभाग हैं, शाखाएँ हैं, तो आपको अभी कौन सी शाखा मिली है ये बता दीजिए मैडम। हमारे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो मैं हूँ अनुसंधान में, जहाँ पे नर्सरी पौधे तैयार किए जाते हैं जहाँ पे, और बाकी के क्षेत्रीय का भी काम रहता है। तो क्षेत्रीय वाले जैसे आरा मशीन वगैरह चेक करना और जंगल में प्लांटेशन वगैरह लगाना, तो नर्सरी से ही पौधे लेके जाते हैं और जंगल में पौधे लगाते हैं, ताकि जंगल में मतलब खाली जगह नहीं दिखे और जंगल पूरा हरा भरा रहे और बारिश भी अच्छी होए। तो इसलिए अपन रेंजर के पद पे रहते हैं तो जिम्मेदारी तो रहती है, लेकिन अपने को जिम्मेदारी को भी ठीक से निभाना आना चाहिए, और अपने को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। यही तो अभी नर्सरी की जो ब्रांच है मैडम, वो मतलब उसमें क्या खास काम क्या रहता है नर्सरी शाखा में? नर्सरी में रहता है कि अपने को पौधे तैयार करने रहते हैं, तो पौधे तैयार करने के लिए अपने को पॉलीथीन बैग्स मिलते हैं, तो उसके अंदर अपने को मिट्टी, रेत और खाद तीनों मिलाना पड़ता है। तो तीन एक एक के रेशो में अपने को जितना भी मटेरियल रहता है उसको अपने को मिश्रण अच्छी तरह से मिला के फिर पॉलीथीन बैग में भरते हैं, और उसके बाद में फिर उसके अंदर बीज लगाते हैं। बीज लगाने के बाद में बारिश में लगाया जाता है बीज, और अभी भी लगा सकते हैं कि थोड़ी गर्मी है, और फरवरी में भी लगाते हैं, बाकी के आप ठंड में नहीं लगा सकते हो। तो इससे बढ़िया पौधे होते हैं और वो पौधे हम लोग तैयार करते हैं और अच्छे स्वस्थ रहते हैं। यदि आपने खाद वगैरह अच्छा डाला तो पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे, तो हर कोई किसान या जो भी जिसको ले जाना रहता है वो लेके जाते हैं। इसलिए पौधों से हमें जंगल तैयार करना पड़ता है ताकि बारिश अच्छी हो। मैडम, बस एक चीज़ और बता दीजिए, आपकी ट्रेनिंग का अनुभव बताइए मैडम। आपने इतने साल सर्विस करी है मैडम, तो काफ़ी ट्रेनिंग भी आपने ली होगी अलग अलग संस्थान उनमें, तो मैम ट्रेनिंग का अनुभव बता दीजिए। इसके अंदर अपने को ट्रेनिंग में भी जाना पड़ता है, क्योंकि अभी अपन जब भर्ती होते हैं तो अनट्रेंड रहते हैं, तो ट्रेनिंग में जाने से अपने को बहुत ज्ञान मिलता है, नॉलेज बढ़ता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, तो अपने को भी थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए, और वहाँ से ट्रेनिंग से आने के बाद उसी हिसाब से अपने को काम करना चाहिए फील्ड पे, और ट्रेनिंग से आने के बाद अपनी पे स्केल भी चेंज हो जाती है, तो उससे भी अपने को बेनिफिट मिलता है। कहाँ कहाँ पे आपने ट्रेनिंग करी थी मैडम? मैंने फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग 6 महीने की ट्रेनिंग करी थी झाबुआ में,
वहाँ मैंने टॉप किया था, तो टॉप आने से मुझे दूसरी ट्रेनिंग का मौका मिला फॉरेस्टर की, वन स्टार की। तो वन स्टार की ट्रेनिंग मैंने जगदलपुर में एक साल की ट्रेनिंग करी मैंने। तो मेरे भी मतलब बच्चे थे छोटे छोटे, उनको छोड़ के मैं ट्रेनिंग करने के लिए गई थी। तो एक मतलब लड़की छोटी थी वो रतलाम में मेरे भाई के पास थी, वो जो लड़का था वो सुजालपुर में ट्रेनिंग में था, मेरे मिस्टर रेलवे में पायलट थे वो उज्जैन में थे, और मैं ट्रेनिंग में जगदलपुर में था। हम चारों अलग अलग जगह पे थे और बहुत तकलीफ़ उठाई हमने। तकलीफ़ उठाने के बाद ट्रेनिंग करी, उसके बाद मैं आज तक यहाँ पे पहुँची हूँ। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है वर्दी के अंदर। तो आप लोग भी ऐसी कोशिश करके यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। और बस मैडम आप इतना बता दीजिए कि अभी लड़कियों के लिए जॉब कैसी रहेगी, बस इतना बता दीजिए आप। ये नहीं, लड़कियों के लिए भी जॉब बहुत अच्छी है, डरना नहीं चाहिए। अभी अपन डरते हैं तो ज़्यादा डराते हैं लोग, इसलिए अपने को डरना नहीं है और अपनी ईमानदारी से काम करो। यदि अपनी लगन हो और अपन अच्छे हैं तो जग अच्छा है, इसलिए अपन भी अपने आप को सेफ रखे और अच्छी तरह से ईमानदारी से करो तो कोई डर नहीं है। लेडीज़ों को भी आराम से आप नौकरी कर सकते हो। नाइट ड्यूटी रहती है लेडीज़ के लिए? नाइट ड्यूटी यहाँ तो नहीं है क्योंकि इस साइड में जंगल नहीं है, जहाँ पे घने जंगल रहते हैं वहाँ पे लेडीज़ की भी नाइट ड्यूटी लगती है। तो हथियार मिलते हैं ना लेडीज़ को भी? हाँ, तो जहाँ जंगल है वहाँ मिलते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ अलाउ नहीं है। और हर रेंजर को कार भी मिलती है, गाड़ी भी मिलती है ना? हाँ, गाड़ी मिलती है। अच्छा, गाड़ी मिलती है फील्ड वगैरह देखने जाने के लिए, उसके लिए गाड़ी मिलती है। तो ईमानदारी से करना पड़ता है, कहाँ पर फील्ड पर कहाँ क्या काम चल रहा है, कहाँ प्लांटेशन का काम चल रहा है या कहाँ पे अपना वर्क हो रहा है, वहाँ अपने को देखने जाना पड़ता है। यही मेरा आपसे निवेदन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैडम को कितना जॉब का एक्सपीरियंस है, जीवन में काफ़ी कठिनाई भी देखी मैडम ने। तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए, मैं खुद रेंजर की ऐसी तैयारी कर रहा हूँ। मैडम जब भी हमारे कार्यालय आते हैं शासकीय कार्य से, तो मैं खुद उनको देख के बहुत प्रभावित हो जाता हूँ मैडम को। तो इसीलिए मैंने मैडम से निवेदन किया कि थोड़ा सा मैडम अपने जॉब का अनुभव बता दीजिए। और चूँकि मैडम ने तैयारी बहुत पहले करी थी अपने जीवन में, 94 की मैडम की भर्ती है, तो इसलिए मैडम प्रिपरेशन के बारे में तो मैडम नहीं बताएंगे, क्योंकि खुद भी मैडम को इतना उस टाइम की तैयारी भी अलग होती थी, कंपटीशन भी अलग होता था। तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, और बिल्कुल ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स आप सबको। थैंक यू मैडम।